नमस्कार, आज हम आपको श्री विनायक चतुर्थी की व्रत कथा सुनाएंगे। वैसे तो इससे जुड़ी हुई चार कथाएं प्रमुख हैं, लेकिन आज हम आपको इससे संबंधित सबसे प्रसिद्ध कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक काल में भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु प्रश्न ये उठा कि इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा। जिसके बाद भगवान शिव ने कुछ तिनकों को एकत्रित करके एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल दी। फिर उस पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम हमें ये बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता। इसके बाद भोलेनाथ और माँ पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से माँ पार्वती 3 बार खेल जीत गईं। खेल खत्म होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला किया, जिसमें उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। इस गलत निर्णय को देखते हुए माता पार्वती बालक पर क्रोधित हो गईं और उन्होंने उसे अपंग होने के साथ कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। इस श्राप को सुनते ही बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि उससे भूलवश ये गलती हो गई। बालक की क्षमा याचना सुनने के बाद माता पार्वती ने उस बालक को श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ नाग कन्या भगवान गणेश की पूजा करने के लिए आएंगी, तब उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना, ऐसा करने से तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह बताने के बाद शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 वर्ष तक वह बालक उस श्राप से प्रभावित रहा। वहां जब आखिरकार नाग कन्या आई तो बालक ने उनसे गणेश चतुर्थी व्रत की विधि के बारे में पूछा। उन विधि के बारे में जानकर बालक ने भक्ति में लीन होकर 21 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना की और व्रत किया। बालक की तपस्या को देखते हुए भगवान गणेश ने उसे दर्शन दे दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। बालक ने गणेश जी से उसका पैर ठीक करने की प्रार्थना की, जिससे वह कैलाश में माता पार्वती और भगवान शिव से मिल सके। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूरी करते हुए उसे स्वस्थ कर दिया। कैलाश पहुंचकर उस बालक ने शिव जी को जब इस व्रत के बारे में बताया तो उन्होंने भी माता पार्वती को मनाने और उनका क्रोध दूर करने के लिए यह व्रत किया। जब पार्वती जी को इस व्रत के महत्व के बारे में पता चला तो उन्होंने भी कार्तिकेय जी से मिलने के लिए अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूरे विधि विधान से इस व्रत को पूरा किया। इसके परिणाम स्वरूप व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। इस व्रत की महिमा को देखते हुए तब से लोग विनायक चतुर्थी का व्रत करते आ रहे हैं। इस व्रत को पूरी आस्था व श्रद्धा के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, इस वीडियो में आपने जाना विनायक चतुर्थी की कथा के बारे में। विनायक चतुर्थी की पूजा विधि व इसके महत्व के बारे में जानने के लिए श्री मंदिर के ऐप पर जाएं और इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी प्राप्त करें।